उषा पब्लिकेशन की बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन है 55th, जिसमें अजय विजय एंड कमल है पार्टनर्स और उनकी हमें बैलेंस शीट दी हुई है 31st मार्च 2018 की। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है, उसके बाद हमारे पास 6:5:3 एंड बोला है कि 1 अप्रैल 2015 को वो एडमिट कर रहे हैं सुबोध को पार्टनरशिप में एंड 10 पैसा INR उसको शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट में से, ओके, और फॉलोइंग टर्म्स पर शेयर दे रहे हैं। 5 टर्म्स है हमारे पास और लिखा है पास एंटी टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो चलिए फिर फटाफट से जर्नल का फॉर्म ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले टर्म में हमारे पास दिया हुआ है सुबोध जो कैपिटल लेकर आया है 14,000, तो उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे सबसे पहले। तो डेट लिखिए जर्नल एंट्री की सबसे पहले 1 अप्रैल 2015, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू सुबोध कैपिटल करेंगे। कैश अकाउंट क्यों किया, ओनली बैलेंस शीट में कैश अकाउंट ही गिवन है हमारे पास तो कैश ही डेबिट करेंगे, ठीक है, अगर बैंक दिया होता तो तब बैंक करते, ओके। तो 14,000 अमाउंट आएगा डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, निरेचना आ जाएगी बींग कैपिटल बॉट बाय न्यू पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दिया स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10% एंड फर्नीचर बाय 900, फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है स्टॉक के परसेंटेज दी हुई है, तो दोनों ही डेप्रिशिएट हो रहे हैं, दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों ही होंगे क्रेडिट, रिवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में रिजर्व है 4,1300 का जो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए किया है हमने, तो ये है इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी को भी हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन को करेंगे इसमें भी डेबिट, तो ये भी ऊपर वाले के साथ ही हम कर लेंगे, ओके। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तबीयत इतनी अच्छी नहीं है अभी तक, मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा हूँ, इसलिए आपको क्वेश्चन भी थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन एडजस्ट कर लेना वॉल्यूम से, थोड़ी आवाज़ मेरी चेंज है आज, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बॉट अप टू 65,000, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास बुक्स में 50,000 की, अब रिवाइज्ड वैल्यू दी है 65,000, ये इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो गया, ओके, तो इसको हम वहाँ पर डालेंगे। और नेक्स्ट दिया हुआ है दैट सुबोध डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर गुडविल विच वाज वैल्यूड ऑफ 8,400 फॉर द फर्म, अब फर्म की गुडविल की वैल्यू दी हुई है 8,400 लेकिन वो कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डालेंगे, ये बाद में डालेंगे एंट्री, पहले हम रिवैल्यूएशन वाली कर लेते हैं, ओके। तो चलिए पहले रिवैल्यूएशन जिसमें डेबिट होगा वो एंट्री लिख लेते हैं, सेम डेट में डालिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट, ओके। स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि 10% दिया है, स्टॉक बैलेंस शीट में हमें दिया है 30,000 का, तो लिखिए 30,000 × 10%, ये निकला 3,000, फर्नीचर का तो हमें अमाउंट ही दिया है डेप्रिशन का 900 और आउटस्टैंडिंग रिपेयर का भी अमाउंट दिया हुआ है 1,300, ओके। टोटल आ जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना 5,200, ओके। नरेशन आ जाएगी इसकी बींग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूड। नेक्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं सेम डेट में और उसमें हमारा एसेट हो रहा है इनक्रीज, तो उसको हम करेंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट, तो लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से हो रहा है 65,000 − 50,000, तो ये बचा हमारे पास 15,000, ओके, तो 15,000 अमाउंट आ जाएगा और नरेशन आएंगे बींग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन का डेबिट का अमाउंट है हमारे पास 5,200, क्रेडिट का है 15,000, तो जो प्रॉफिट ही निकला है तो प्रॉफिट की जनरेटी रिकॉर्ड कर लीजिए सेम डेट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अजेज कैपिटल अकाउंट टू विजेज कैपिटल अकाउंट टू कमल कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट कितना आया रिवैल्यूएशन के सामने लिख लीजिए 15,000 − 5,200, तो ये प्रॉफिट आया हमारे पास 9,800, ओके। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनरों के बीच, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारे पास 6:5:3, तो अजय का शेयर कितना निकल जाएगा 9,800 × 6 डिवाइडेड बाय किया हमने 14, तो ये निकला 4,200। सेम वे विजय का आ जाएगा 9,800 × 5 / 14 किया, तो ये निकला 3,500।
और नेक्स्ट कमल का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, 9800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 14 किया तो ये निकला 2100। ओके तो चलिए अब हम लास्ट जो है हमारी जनरेटिव वो डाल लेते हैं जिसमें गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। अब 8400 फर्म की गुडविल है, उसमें उसको मिल रहा है 1/10 शेयर, तो जनरेटरी हमारी बन जाएगी बिकॉज वो कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है कैश वगैरह, तो हम उसके करंट अकाउंट को डालेंगे। तो जनरेटरी आएगी सुबोध करंट अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट टू विजय कैपिटल अकाउंट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। तो जनरेटरी आएगी सुबोध करंट अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट टू विजय कैपिटल अकाउंट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। अब सैक्रीफाइसिंग रेशो भी हमें गिवन नहीं है, न्यू रेशो भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो ओल्ड रेशो है वही हमारी सैक्रीफाइसिंग रेशो है। और सुबोध का शेयर हमने कैलकुलेट कर लेना है 8400 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 करना है, 10% इन रुपी मीन्स 10/100, ठीक है तो 1/10 बचा, तो ये हमने किया कैलकुलेट, तो ये शेयर ऑफ गुडविल उसका निकला है 840। ओके तो चलिए इस 840 को हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में अमंग द सभी पार्टनर्स। अजय का आ जाएगा शेयर 840 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 40 किया 14 किया तो ये है 360। और विजय का आ जाएगा 840 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 14 किया तो 300। और कमल का आ जाएगा 840 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 14 किया तो 180। ओके नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट इन सैक्रीफाइसिंग रेशो। तो चलिए अभी हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हम डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं क्या बैलेंस दिया हुआ है हमें। अजय का है 40,000, कमल विजय का है 33,500 और कमल का है 25,000। तो एज इट इज लिख दीजिए 40,000, 3,500, 25,000। ओके तो चलिए अब जनरल एंट्रीज की ओर। सबसे पहली जनरल एंट्री में हमने डेबिट किया है कैश को किसकी कैपिटल के साथ, सुबोध कैपिटल अकाउंट के साथ। तो लिखिए बाय कैश अकाउंट सुबोध की कैपिटल में लिख दीजिए 14,000। ओके उसके बाद हमारी फोर्थ जनरल एंट्री में हम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं तीनों पार्टनर की, अजय विजय कमल की। रिवेल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो लिख देंगे, लिखिए बाय रिवेल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट। अजय का शेयर है 4200 एज इट इज लिख दीजिए और विजय का है 3500 और कमल का 2100। ओके और नेक्स्ट लास्ट जनरेटरी में भी हमने अजय विजय कमल की कैपिटल को किया है क्रेडिट शेयर ऑफ गुडविल के साथ, तो लिखिए इसे भी बाय सुबोध करंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल और अजय का शेयर है 360 और विजय का है 300 और कमल का है 180। ओके तो चलिए ये कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब इसके टोटल लगा लेते हैं, बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट का टोटल लगा लो वही बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अजय का क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 44,560, तो लिख दीजिए इसे यहाँ पर भी टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 44,560। सेम वे विजय का भी क्रेडिट का टोटल देख लीजिए कितना है 37,300, तो बैलेंस भी आ जाएगा 37,300 और कमल का है 27,200 बैलेंस भी निकला 27,280। ओके और सुबोध का तो 14,000 है तो 14,000 ही बैलेंस आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट फॉर न्यू फर्म। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे और पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें दिए हुए हैं क्रेडिटर 11,000 के और बिल्स पेबल 6,000 के, हमने दोनों को नहीं छेड़ा एज इट इज ही हम लिख देंगे क्रेडिटर 11,000 एंड बिल्स पेबल 6,000। अब बैलेंस शीट में तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है लेकिन हम पहले क्या लिखेंगे, अब लाइबिलिटीज ही लिखेंगे क्योंकि हमें लाइबिलिटीज ऊपर दी है कैपिटल नीचे दिया हुआ है, इसलिए लाइबिलिटी जो हमने क्रिएट की है न्यू आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंसेस की वो पहले लिख लेते हैं। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंसिस 1,300। ओके
उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अजय विजय कमल का। तो चलिए अब हम डालेंगे नए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, नया बैलेंस। तो लिखिए कैपिटल अकाउंट अजय विजय कमल प्लस सुबोध भी, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए अजय का बैलेंस है 44,560 एज इट इज लिख दीजिए, और विजय का भी सेम लिख दीजिए 37,300, और कमल का 27,280, और सुबोध का 14,000, ठीक है। टोटल कैपिटल आ जाएगा हमारे पास 1,23,140, ओके। तो चलिए लायबिलिटी की सारी आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है, चलते हैं एसेट साइड। एसेट है सबसे पहले हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की, लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 प्लस उसमें कीजिए इंक्रीज जो हुआ है 15,000 का, तो टोटल हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग आई 65,000, ओके। नेक्स्ट एसेट्स है हमारे पास फर्नीचर 7,500 का, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है डिक्रीज डेप्रिशिएटेड वैल्यू वो है 900, तो डेप्रिशिएशन लेस करके नेट वैल्यू है हमारे पास 6,600। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक 30,000 का, तो स्टॉक लिख दीजिए 30,000, उसमें से माइनस कीजिए 3,000 डेप्रिसिएशन, नेट स्टॉक आया हमारा 27,000, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स 26,500 के, उसका हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज ही लिख दीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कैश काउंट, कैश का बैलेंस हमारे पास 1,000, उसमें ऐड कीजिए पहली जनरेंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है 14,000 से, तो ये हमारा कैश का बैलेंस आ जाएगा 15,000। उसके बाद हमारे पास इनपुट CGST एंड इनपुट SGST 250 के, इसको हमने कुछ नहीं किया एज इट इज नोट डाउन कर दीजिए, इनपुट CGST 250 और इनपुट SGST 250, ओके। और लास्ट में हमारा आ जाएगा सुबोध का करंट अकाउंट, जो हमने शेयर ऑफ गुडविल उसको ट्रांसफर किया था, तो लिख दीजिए सुबोध करंट अकाउंट 840, ओके। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट, टोटल लगा लेते हैं इसका। लायबिलिटी से टोटल है हमारे पास 1,41,440, और एसेट का टोटल है 1,41,440, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया टैली, तो बैक क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है हमारे पास, ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म में है, उनका प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 2:1 एंड दे एडमिट कर रहे हैं सी को 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। और सी लेकर आ रहा है 60,000 एज ए कैपिटल, एज अ टोटल कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वर 60,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी ने डिसाइड किया है कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएंगे और मेंटेन करेंगे बिजनेस में ऑन द बेसिस ऑफ सी इज कैपिटल, जितना भी उसका कैपिटल है। तो कैलकुलेट करने को बोला है हमें अमाउंट टू बी पेड एंड बॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब ये हमारा केस है कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसके बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और अगर तो वो कैपिटल अपनी पुरानी कैपिटल से ज़्यादा होगी तो वो पैसे लेकर आएंगे, अगर वो कैपिटल कम बढ़ेगी तो जो बिजनेस पैसे एक्स्ट्रा रखकर बैठा है वो बिजनेस उसको वापस करेगा, जिस भी पार्टनर की एक्स्ट्रा कैपिटल होगी बिजनेस के पास, ठीक है। तो उसके हमारे टोटल 5 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जितनी भी वो कैपिटल लेकर आ रहा है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके ही शेयर के रिवर्स के साथ, उल्टा कर देंगे उसके शेयर को, तो हमारे पास टोटल कैपिटल निकल जाएगी, ठीक है। उस टोटल कैपिटल को नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ताकि हम कैलकुलेट कर लें न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स जितनी भी बनती हैं, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड कैपिटल, इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है तो ये हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, अगर ना गिवन होती तो हम ये कैलकुलेट भी करते। एडजस्टमेंट एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है, ओपनिंग कैपिटल, उसमें जो जो भी हमने ऐड किया हुआ है वो सारा कुछ ऐड करने वाला ऐड करेंगे, लेस करने वाला लेस करेंगे, लाइक शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट, शेयर इन गुडविल, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी है सारे ये ऐड होते हैं और लेस हो जाते हैं ड्राइंग्स वगैरह, गुडविल रिटर्न ऑफ जो पुरानी हमारे पास हो, या फिर कोई लॉसेस हमने एडजस्ट किए हैं पुराने, ठीक है। तो सिंपली सारे का सारा आपने कैपिटल अकाउंट एक तरह से प्रिपेयर करना है, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नहीं निकालना, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आपका एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस तो आप कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सी की कैपिटल, ओके।
और नेक्स्ट स्टेप में आप फाइंड आउट करोगे सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, वो कैसे कैलकुलेट होगी। न्यू कैपिटल जो हमने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट की थी उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे एडजस्टेड कैपिटल जो हमने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट की है। ओके, लास्ट में हम जर्नल एंट्री डाल देंगे, सरप्लस होगा तो पैसे हमारे जाएंगे बिजनेस के, और डेफिशिएंसी होगी तो वो पार्टनर पैसे बिजनेस में लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से पहला स्टेप करते हैं और कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। फॉर्मूला है इसका न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिवर्स शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो कैपिटल लेकर आ रहा है वो 60,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको 5/1 से, रिवर्स यही हुआ ना, 1/5 उसका शेयर है, 5/1 रिवर्स हो गया। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बन गई आफ्टर सीज एडमिशन कितनी, 3 लाख रुपीज। ओके, अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, इस टोटल कैपिटल को डिवाइड करना है ऑल पार्टनर्स के बीच इन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो में, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो चलिए फिर वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आप वर्किंग नोट में ही कैलकुलेट करना, लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले हमारे पास सी का शेयर दिया हुआ है 1/5, और आप अज्यूम कर लीजिए टोटल शेयर ऑफ फर्म कितना है 1, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा ए एंड बी के लिए, 1 - 1/5 कर लीजिए। एलसीएम ले लिया हमने 5, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 - 1 आ गया, तो ये बचा हमारे पास 4/5। 4/5 को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ए एंड बी। ओके, सो एज न्यू शेयर आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय एज ओल्ड शेयर कितना है 2/3। ओके, तो ये निकला हमारे पास 8/15। सेम वे वीज का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर कितना 1/3, तो ये निकला 4/15। ओके, तो सी का भी बेस सेम कर लेते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/3 से, तो ये आ गया हमारे पास 3/15। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने सॉल्यूशन को और कैलकुलेट करते हैं तीनों ही पार्टनर की न्यू कैपिटल का शेयर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर ऑफ पार्टनर। ए के न्यू कैपिटल आ जाएगी हमारे पास कितनी, टोटल कैपिटल है 3 लाख, मल्टीप्लाई कर दीजिए का शेयर 8/15, न्यू शेयर करना है ये ध्यान में रखना। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास अमाउंट आया 1,60,000। ओके, सेम वे बीज न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कैपिटल हमारे पास 3 लाख, मल्टीप्लाई कर लीजिए उसका शेयर 4/15, तो ये निकला हमारे पास 80,000। ओके, सी का कैलकुलेट करोगे वो सेम ही आएगा जिस पे बेसिस हमने की थी, तो कर लीजिए 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/15, तो ये निकला हमारे पास 60,000। ओके, लेकिन हमें चाहिए तो ए एंड बी की ना, क्योंकि ए एंड बी के डेफिशिएंसी वगैरह निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। एडजस्टेड कैपिटल हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो एडजस्टेड कैपिटल ए की है 60,000 और बी की है 40,000। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम अब कैलकुलेट करेंगे डेफिशिएंसी और सरप्लस। तो फॉर्मूला है हमारे पास न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। ओके, तो ए की डेफिशिएंसी और सरप्लस निकालते हैं। ए का हमारे पास न्यू कैपिटल है 1,60,000 और एडजस्टेड कैपिटल है 60,000 ओनली। ठीक है, तो ये हमारा न्यू कैपिटल ज़्यादा है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आए तो ये 1 लाख रुपीज़ आया प्लस में, तो ये क्या है हमारा डेफिशिएंसी। ओके, अगर माइनस में आता तो होता सरप्लस। सेम वे बीज का डेफिशिएंसी और सरप्लस निकाल लेते हैं। बी का न्यू कैपिटल है 80,000 और एडजस्टेड कैपिटल है 40,000, तो इसका भी 40,000 प्लस में आया, तो इसकी भी आई डेफिशिएंसी। तो दोनों की डेफिशिएंसी है, दोनों ही कैश लेकर आएंगे बिजनेस में। ओके, तो लास्ट स्टेप में अब हम जर्नल एंट्री डाल देते हैं इसकी। कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए लेकर आएगा 1 लाख, बी लेकर आएगा 40,000। टोटल कैश आया बिजनेस में 1,40,000। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ब्रिंग बाय ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसमें सन एंड मून पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो दी है 2:1 विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख 75,000 रिस्पेक्टिवली। हमें ओपनिंग कैपिटल भी दी हुई है। ठीक है,
अब प्लैनेट आ रहा है बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए, वो कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000 एंड गुडविल लेकर आया 15,000। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब जो जितना भी अमाउंट लेकर आया उसका आधा उन्होंने विड्रॉल करवा लिया है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ द पार्टनर वाज टू बी रेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेट्स कैपिटल। जो भी प्लैनेट कैपिटल लेकर आया उसके बेसिस पर हमने न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और एक्सेस डेफिसिट जितना भी अमाउंट होगा वो एडजस्ट करना है कैश में, और कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। तो कैलकुलेट करना है कितने पैसे हमने लेने हैं और कितने देने हैं पार्टनर्स को। ओके, तो चलिए फिर सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे कैलकुलेट होगी वो? न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिवर्स शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000 की, मल्टीप्लाई कर दीजिए रिवर्स शेयर, उसका शेयर है 1/4, मल्टीप्लाई किया 4/1 हो जाएगा रिवर्स। ठीक है, तो ये न्यू कैपिटल बन गई हमारी टोटल फर्म की कितनी? 2 लाख रुपीज। ओके, अब सेकंड स्टेप में हम इस कैपिटल का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ऑल पार्टनर्स, लेकिन हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन नहीं है। तो चलिए फिर प्रिपेयर कर लीजिए वर्किंग नोट और कैलकुलेट करते हैं पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयर एक्वायर्ड बाय प्लैनेट कितना है? 1/4। ठीक है, तो एज्यूम कर लीजिए टोटल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा सन एंड मून के लिए कितना? 1 - 1/4। तो 4 हमने ले लिया एलसीएम, माइनस 1/4 हो गया, तो ये हो गया हमारा 3/4। ओके, अब जो 3/4 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सन का न्यू शेयर आ जाएगा कितना? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये हमारे पास आया 6/12। सेम वे मून का कैलकुलेट कर लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये निकला हमारा 3/12। ओके, तो पहले बेस सेम कर लेते हैं प्लैनेट के शेयर का भी। अब प्लैनेट का शेयर है 1/4, मल्टीप्लाई कर दिया 3/3 से, तो ये हमारे पास आ गया 3/12। ओके, अब न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारे पास बन गई 6:3:3, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2:1:1। आप कटिंग पहले भी कर सकते थे, लेकिन किसी न किसी के अगर कोई इशू आ जाता तो आपकी कटिंग ना होती, तो आपको फिर दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ जाती हैं सभी की। इसलिए मैंने मेथड अडॉप्ट क्या किया हुआ, पहले मल्टीप्लिकेशन फुल एंड फ्लेज कर लो, कटिंग मत करो, एंड में जब आपकी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट हो जाती है उसके बाद आप कटिंग करके उसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमें पता चल गई है, तो चलिए करते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे सन्स न्यू कैपिटल, कैसे होगी, क्या फॉर्मूला है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर ऑफ पार्टनर। तो सन के कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल कैपिटल हमारे पास है 2 लाख और उसका न्यू शेयर है 2/4। ओके, तो हमारे पास कैपिटल निकली है सन की 1 लाख रुपीज। तो सेम वे हम मून की कैलकुलेट कर लेते हैं, मून्स न्यू कैपिटल आ जाएगी, टोटल कैपिटल है 2 लाख, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका शेयर 1/4, तो ये आया 50,000। ओके, और लास्ट में हमारे पास है प्लैनेट, प्लैनेट की तो कैलकुलेट करोगे सेम ही आएगी, तो उसके बेस भी तो बनी है, लेकिन करना तो कर लो, देख लीजिए सेम है कि नहीं, 2 लाख मल्टीप्लाई 1/4 किया तो ये आया 50,000। ओके, तो ये न्यू कैपिटल तो हमारे पास आ गई, अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एडजस्टेड कैपिटल, और एडजस्टेड कैपिटल इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, तो कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, दो कॉलम बना लीजिए, एक सन का और एक मून का, और सबसे पहले डालेंगे हम ओपनिंग कैपिटल जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, बैलेंस कैपिटल का। तो लिखिए कैपिटल बैलेंस कितना है? 1 लाख, सन का है 75,000 है, मून का। ठीक है,
अब पनेलेट की एडमिशन के बाद उनके पास आ रहा है शेयर ऑफ गुडविल, जो पनेलेट लेकर आ रहा है 15,000 वो कैपिटल के अलावा गुडविल का शेयर लेकर आया है, तो वो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि सैक्रिफाइजिंग रेशो भी उनकी ओल्ड ही है, 2:1 ही है। ओके, तो इसमें ऐड कर दीजिए शेयर ऑफ प्लैनेट्स गुडविल, तो सन का निकल जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 10,000 और मून का आ जाएगा 5,000। ओके, ये टोटल आ गया हमारे पास कितना, 1,10,000 एंड 80,000। इसमें से अब लेस क्या करेंगे, उन्होंने बोला है कि हाफ ऑफ द गुडविल उन्होंने विड्रॉल करवा ली है, तो वो डेबिट ऑफ द कैपिटल जाएगी ना, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड डालते हैं विड्रॉल, तो लिखिए फिर लेस विड्रॉल ऑफ गुडविल, 10,000 था सन का उसने आधा विड्रॉल करवाया 5,000 और मून का था 5,000 उसने आधा विड्रॉल करवाया 2,500। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर हमारे पास आ गई 1,05,000 सन की और 77,500 मून की। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी और सरप्लस। तो अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी सरप्लस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। ओके, न्यू कैपिटल जो हमने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट की थी और एडजस्टेड कैपिटल जो हमने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट कर ली। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी किसका पहले, सन का, तो लिखिए सन्स डेफिशिएंसी और सरप्लस इज इक्वल टू, और की न्यू कैपिटल है हमारे पास 1,00,000 रुपीज और एडजस्टेड कैपिटल है 1,05,000। तो ये माइनस में आया हमारे पास 5,000 मींस एक्सेस एडजस्टेड कैपिटल, तो ये है सरप्लस। ओके, सन का निकला है हमारे पास सरप्लस। ओके, और नेक्स्ट मून का डेफिशिएंसी सरप्लस कैलकुलेट कर लेते हैं, न्यू कैपिटल है मून की 50,000 और एडजस्टेड कैपिटल है 77,500, तो 27,500 जेबी माइनस में आया, तो जेबी क्या आया, सरप्लस। तो दोनों ही पैसे विड्रॉल करवाएंगे, बिजनेस में लेकर नहीं आएंगे। ओके, तो चलिए लास्ट में अब जर्नल एंट्री डाल लेते हैं। ठीक है, अब पार्टनर करेंगे पैसे रिसीव, बिजनेस पैसे पे करेगा, तो रिसीवर को कर देंगे हम डेबिट, कैश गोज आउट को कर देंगे हम क्रेडिट। तो लिखिए जर्नल एंट्री, सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा सन का कैपिटल का 5,000, मून के कैपिटल के सामने आएगा 27,500, तो कैश के सामने आया टोटल 32,500। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।